भाई साहब यहाँ पे अगर हम बीआर रैंकेड खेलते हैं तो हमारा गेम लैग करता है, या सीएस रैंकेड खेलो तो भी लैग करता है, या तो हम कस्टम खेलते हैं तो भी हमारा गेम लैग करता है। तो भाई ये लैग क्यों करता है और इसको हम सही कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको जा रहा हूँ ये वीडियो में बताने। और भाई साहब मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, आपका लैग फ्री हो जाएगा अगर आप मेरी ट्रिक इस्तेमाल करोगे। और भाई साहब बहुत ही सेफ ट्रिक है, कोई भी इशू नहीं है। जो गेम लैग हो रहा है उसका रीजन बताऊंगा, उसके बाद आप खुद समझ जाओगे कि हाँ मेरा जो गेम लैग हो रहा है ये वजह से हो रहा है, और आप सब लोग अपने गेम को लैग फ्री कर सकते हो, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। और हाँ भाई साहब मेरे गिल्ड में अभी 5 लोग की जगह बाकी है, तो यहाँ पे गिल्ड आईडी नंबर देख लो 10134666162। अगर देख नहीं पा रहे हो तो मैं नंबर रिपीट कर देता हूँ, आप सुन के ऐड कर लेना 10134666162। ये मेरा गिल्ड आईडी नंबर है, आप लोग रिक्वेस्ट कर देना, 5 लोग को मैं ले पाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं ले पाऊंगा। ठीक है भाई साहब, कमेंट में रेडीम कोड की लिंक है, वो लिंक पे क्लिक करके आप वेबसाइट पे आ जाओ और रेडीम कोड जल्दी से ले लो, अभी के अभी जाओ, रेडीम कोड की लिंक कमेंट बॉक्स में है। और हाँ भाई साहब यहाँ पे जैसे कि आपको पता ही है, जो टू नाइट अपडेट आया था उसका अपडेट मैंने इंस्टा पे दिया। और भाई साहब बहुत सारे लोग आप लोग व्हाट्सएप चलाते हो, तो यहाँ पे मैं अपने स्टेटस पे लगा के बहुत सारे अपडेट्स भी बताता हूँ। तो यहाँ पे सोच रहा हूँ मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दूं, मतलब मेरा पर्सनल तो नहीं है, जो अपडेट के लिए मैं यूज करता हूँ व्हाट्सएप नंबर, वो नंबर मैं आपको दूं, जिससे आप लोग मेरे स्टेटस देख के आप लोग अपडेट रह सकते हो कि आज रात 12 बजे हमारे गेम के अंदर कौन सा इवेंट आने वाला है। अगर आप लोग चाहते हो मेरा व्हाट्सएप नंबर तो सीक्रेट कोड के साथ अपना इंस्टा आईडी कमेंट कर देना। तो जब आप सीक्रेट कोड और इंस्टा आईडी कमेंट करोगे तो उसके अंदर आप ये कमेंट कर देना कि व्हाट्सएप नंबर चाहिए, तो ज्यादा रिस्पॉन्स रहेगा, तो मैं भाई साहब नेक्स्ट वीडियो में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। तो चलो यहाँ पे अब हम बात करते हैं बीआर रैंकेड सीएस रैंकेड हैंग जो होता है गेम प्ले के टाइम या कस्टम के अंदर, उसको लैग फ्री कैसे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बता दूं ये वीडियो के लिए मैंने गिव अवे दिया है, ये वीडियो से मैं 3 प्लेयर लोग को मैं देने वाला हूँ गूगल प्ले का रिडीम कोड। तो अगर आप लोग को पता नहीं है कैसे गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है तो कमेंट में हाउ टू पार्टिसिपेट की लिंक है, वो लिंक पे क्लिक करके आप जाके वीडियो देख लो और आप इजीली पार्टिसिपेट कर लोगे, रूल फॉलो करोगे तो वीडियो पहले देख लो ये वाला, उसके बाद आप जाके पार्टिसिपेट वाली वीडियो देख लेना, कमेंट में लिंक है। तो चलो यहाँ पे भाई साहब आपको बता दूं, जो हमारा बीआर रैंकेड सीएस रैंकेड हैंग होता है ना, मतलब लैग होता है गेम प्ले के वक्त, यार मुझे खुद गुस्सा आ जाता है भाई साहब। ऐसे टाइम पे लैग करता है जो टाइम पे हम किल करने जाते हैं या बंदा हमें मारने लगता है, वो टाइम पे लैग होता है और भाई हम मैच हार जाते हैं, मतलब यार बहुत ज्यादा इरिटेट होता है, मन करता है यार मोबाइल उठा के पटक दो, मतलब यार क्या कर सकते, मोबाइल तो पटक नहीं सकते, गुस्से में किया हुआ काम यार बाद में हमें पछतावा ही होता। तो इसके लिए यार गुस्सा मत करो, आप ये वीडियो पे आए हो तो आप बहुत सही जगह आए हो, तो यार ये बात पे एक लाइक जरूर कर देना। अगर अभी लाइक नहीं करना है तो पहले देख लो ट्रिक क्या है, ट्रिक देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब कर देना अगर आप चैनल पे नए हो तो। पुराने लोग हो तो आप लोग मुझे पता है आपने सब्सक्राइब और लाइक तो कर दिया होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं रीजन की कि यहाँ पे हमारा गेम लैग क्यों होता है, उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रिक बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने गेम को लैग फ्री कर सकते हो। तो बस अब यहाँ पे आपको बता दूं, जो हमारा गेम लैग होता है ना, वो लैग होने का कारण यहाँ पे ये अपडेट के बाद बहुत ज्यादा हो रहा है। मतलब पहले तो होता था, बहुत रेयर होता था, मतलब कभी कभार होता था, लेकिन ये अपडेट के बाद भाई साहब बहुत ज्यादा लैग होता है गेम। मतलब यार कोई भी गेम खेलो, कस्टम सीएस रैंक बीआर रैंक, खाली लैग पे लैग होते रहता है। और इसके लिए अगर देखा जाए तो यार बहुत लोग गेम खेलना भी कम कर दिए हैं, क्योंकि ये अपडेट का बहुत ज्यादा बग्स एंड ग्लिचेस है जो गेम को बहुत गंदा कर दिया। मतलब पिंग हाई जाते रहती है, गेम लैग होता है। तो पिंग हाई का तो मैंने सॉल्यूशन बता दिया था, लेकिन यहाँ पे आप गेम लैग फ्री कैसे कर सकते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखो गेम लैग फ्री आप लोग ना करने के लिए क्या करना है वो बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले समझा दिया कि गेम लैग क्यों हो रहा है, ये अपडेट का बग्स है। तो यहाँ पे आपका मोबाइल खराब नहीं है, आपके मोबाइल की वजह से लैग नहीं हो रहा है, ये पहले क्लियर कर दूँ। आप ये मत सोचना यार मेरा मोबाइल खराब है या मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा है। देखो नेटवर्क का भी इशू होता है, मगर इतना ज़्यादा नहीं होता है जैसे ये टाइम हो रहा है, क्योंकि अपडेट से पहले भी नेटवर्क आता था, हम गेम खेलते थे, लेकिन ये नेटवर्क या मोबाइल का इशू नहीं है, ये क्लियर कर देता हूँ। तो अभी जो गेम हमारा लैग होता है ना, और हाँ आपको सबसे लास्ट वाला जो ट्रिक बताऊंगा ना, आपको सुन के थोड़ा सा मतलब यार थोड़ा अजीब लगेगा, थोड़ा मतलब हंसी भी आएगी और बुरा भी लगेगा, लेकिन जो लास्ट वाली ट्रिक बताऊंगा ना आप वो जरूर से सुनना। वो कोई ट्रिक दिखाने वाली नहीं है, वो बताने वाली है, तो अच्छे से वो लास्ट वाली ट्रिक सुन लेना। लास्ट ट्रिक सुनने के लिए वीडियो को देखना जरूर, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर आपने अभी तक यहाँ तक देख लिया है वीडियो तो लास्ट ट्रिक याद से सुनना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे गेम को लैग फ्री करने में। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक नंबर वन। देखो ट्रिक नंबर वन क्या है, वह सब कमेंट में लिंक मिल जाएगी आपको लैग किलर की, वो लिंक पे जैसे क्लिक करके आओगे तो आप मेरे ये वाले पेज पे आ जाओगे। तो यहाँ पे आपको मैं 5 ऐप रिकमेंड कर रहा हूँ, लेकिन 5 में से यहाँ पे जो 2 ऐप है लैग किलर 1 और लैग किलर 2, ये दोनों ऐप आप इंस्टॉल जरूर से कर लेना, क्योंकि ये दोनों ऐप का काम क्या है वो मैं बता देता हूँ। ये जो पहला ऐप है ना, ये आपके जितने भी बैकग्राउंड में ऐप्स
चलते हैं उनको वो बंद कर देगा, जिससे आपका जो प्रोसेसर मोबाइल का जो यूज में था वो फ्री हो जाएगा। और जब वो फ्री हो जाएगा तो आपके गेम प्ले के टाइम पे वो भाई अपनी पूरी ताकत आपके गेम में लगाएगा, ना कि दूसरे ऐप को संभालने में। समझ रहे हो, अभी आपके दो हाथ है, एक हाथ से आप फ्री फायर खेल रहे हो और दूसरे हाथ से दूसरे ऐप को आप संभाल रहे हो। अगर ये लैग किलर वन ऐप को आप चालू कर दोगे तो वो क्या करेगा, जो दूसरे हाथ से आप दूसरे ऐप्स को संभाल रहे हो अपने मोबाइल के अंदर, वो सब फ्री कर देगा, वो सबको हटा देगा और आपका दूसरा हाथ खाली हो जाएगा। और दोनों हाथ, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, प्रोसेसर का दो हाथ है समझ लो, एक हाथ से आपका प्रोसेसर समझ लो गेम संभाल रहा है और दूसरे हाथ से पूरे मोबाइल का आपका ऐप संभाल रहा है। तो जो पीछे बैकग्राउंड में प्रोसेसर काम कर रहा है ना, उसको फ्री करने के लिए आपको ये लैग किलर ऐप वन डाउनलोड करना है, उसको रन करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप ये इस्तेमाल करते हो, इसको यूज करोगे, तो जितने भी ऐप है उसको सबको बंद कर देगा और जो आपके प्रोसेसर का दूसरा हाथ है वो फ्री हो जाएगा। अब जब एक हाथ प्रोसेसर का फ्री हो गया है तो अब दोनों हाथ से आपका जो फ्री फायर उसको संभालेगा। अब समझ लो आप, अगर दोनों हाथ से फ्री फायर संभालेगा तो लैग भाई साहब होना खत्म हो जाएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। लेकिन उसी के साथ एक और काम कर लेना, यहाँ पे तो आपने प्रोसेसर को खाली करने का तरीका मैंने ऐप वन में बता दिया, अब यहाँ पे आप लैग किलर ऐप टू को भी आप इंस्टॉल कर लेना डाउनलोड करके। ये क्या काम करेगा, ये काम ये करने वाला है कि यहाँ पे जो आपका रैम बिजी है, मतलब 4 GB रैम है या 2 GB 3 GB जो भी रैम है आपका, या 6 GB आपका जो भी रैम है, 2 GB 4 GB 6 GB या 8 GB, तो आपका जो रैम वो समझ लो यूज हो रहा है बहुत सारे अलग अलग ऐप्स में। अगर ऐप्स आप अगर बंद भी कर देते हो लैग किलर ऐप वन से, तो भी रैम यूज में आते हैं। लैग किलर ऐप टू करता क्या है कि वो भाई साहब रैम जो यूज है दूसरे ऐप में वो क्लियर कर देता है, वो दूसरे ऐप में एक भी रैम नहीं यूज होता है और जो आपका खाली रैम रहेगा वो पूरा यूज करेगा आपके गेम के लिए। मतलब समझ रहे हो, अगर आपने ये दोनों ऐप इंस्टॉल करके यूज कर लिया ना, तो भाई आपका मोबाइल एकदम लैग फ्री हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो लैग किलर ऐप 3 है बूस्टर के लिए, आप अपने मोबाइल को बूस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे लैग किलर 4 जो ऐप है वो भाई साहब वो आप जो भी गेम खेल रहे हो, मतलब फ्री फायर जैसे बोल लो, फ्री फायर जितना भी पीछे मेमोरी खाएगा वो जो अनयूज रहेगा, जो इस्तेमाल नहीं होगा, उसको भी वो क्लियर करते जाएगा, जिससे ये होगा भाई आपका जो गेम है भाई पूरा एकदम मस्के जैसे चलने वाला है। और जो लैग किलर 5 ऐप है वो बैकग्राउंड में कुछ भी यूज नहीं करने देगा सिवाय आपका फ्री फायर के। तो भाई यहां पे अगर आपने ये पांचों ऐप इंस्टॉल करके यूज कर लिया ना, 101% आपका जो गेम है वो एकदम मस्के जैसे चलेगा, आपका लैग फ्री हो जाएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। और ये ज्यादा MB का भी नहीं है, जितनी भी ऐप है यहाँ पे 5 MB 6 MB या 10 MB के इस तरीके के ऐप है, आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करके देख लो और कमेंट जरूर कर देना जितने लोग का भी लैग फ्री हो जाएगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोग का लैग फ्री हो जाएगा। तो ये तो मैंने आपको बता दिया ट्रिक, किस तरीके से आपको लैग फ्री करना है अपने फ्री फायर को। अगर हाँ आपका छोटा मोबाइल है, लो एंड मोबाइल है और आप ये सब यूज करके सोचो कि मेरा भाई लैग फ्री हो जाए, तो भाई यहाँ पे आप लोग को एक काम और करना है। अगर आपका लो एंड मोबाइल है ना, तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले वाली जो सेटिंग है, ये देखो यार, ये तो मेरा मैक्स पे है, मैक्स पे आप लोग को नहीं करना। अगर आपका 8 GB या 12 GB रैम है तो मैक्स पे खेलो, तो आपका लैग फ्री रहेगा। ये मेरा मैक्स पे है, तो आप लोग को करना क्या है, ना तो अल्ट्रा पे रखना है और इसको जो हाई पे किए होंगे जो लोग, इसको नॉर्मल कर लेना, ये सेटिंग जरूर कर लेना, अल्ट्रा नॉर्मल पे भी नहीं करना है, ठीक है। आप लोग को करना क्या है, यहाँ पे स्टैंडर्ड पे आ जाना है। जिसका भाई साहब 6 GB रैम है वो लोग स्टैंडर्ड पे खेलो, 6 से 8 GB रैम वाले लोग स्टैंडर्ड पे खेलना प्रिफरेंस करो। और भाई जिसका भी 4 GB या 3 GB या 2 GB का रैम है भाई, आप स्मूथ पे खेलो। अगर आप स्मूथ पे नहीं खेलोगे तो आपका लैग करते रहेगा, ये बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, तो ये काम जरूर से कर लेना। ये तो मैं दूसरा भी ट्रिक बता दिया आपको। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे भाई साहब, ओ भाई यहाँ पे मैंने स्मूथ पे कर लिया तो मेरा जो पैंट का एनिमेशन था वो नहीं दिख रहा है, एक सेकंड। यहाँ पे मैं इसको फिर से मैक्स कर देता हूँ और हाई कर देता हूँ, तो देख सकते हो यहाँ पे अब लग रहा है अच्छा। तो यहाँ पे जो लास्ट ट्रिक मैंने बताने के लिए बोला था, तो वो मैं आपको जा रहा हूँ बताने लास्ट ट्रिक। तो देखो यार, जो भी मोबाइल लैग करता है ना, चाहे वो कोई भी गेम लैग करता हो, मोबाइल लैग करेगा तभी गेम लैग करेगा, मतलब मोबाइल ही लैग मेन सोर्स होता है। और हाँ, गेम का अपडेट आया हमारा तो गेम का भी बग्स के वजह से भी लैग करता है, तो ज्यादातर जो प्रॉब्लम आती है लैग्स की वो मोबाइल के कारण आती है। तो यहाँ पे मोबाइल लैग फ्री रखने के लिए हमेशा के लिए आपको करना क्या है, आप लोग ज्यादातर प्लेयर लोग क्रोम ब्राउजर में आप लोग जाके उल्टी सीधी साइट खोलते हो, जिससे आपके उसमें वायरस आ जाते हैं, जिससे आपको पता भी नहीं चलता। भाई बहुत सारे ऐसे वेबसाइट आप ओपन करते हो जहाँ पे भाई साहब आपको पॉपअप दिखता होगा, यहाँ पे डाउनलोड करके ये क्लिक करो, आपका मोबाइल स्लो हो गया तो ये करो वो करो, ऐसे वाले आपको पॉपअप आते हैं, एड्स आते हैं, प्रचार आते हैं, जो भी आप बोलते हो। तो वो सब आप हटाते भी हो ना, तो भी आपके मोबाइल में कैचिंग आ जाती है वायरस की। अभी जब वायरस की कैचिंग धीरे धीरे जब आपके उस मोबाइल में जमा होती जाएगी ना, तो वो ज्यादा लैग करने लग जाता है।
तो मैं इसके लिए अवॉइड करने बोल रहा हूँ। आप जो उल्टी सीधी साइट खोलते हो क्रोम ब्राउजर में जाके, वो सब अवॉइड करो। जितने ये उल्टे सीधे एडवर्टाइज आएंगे, प्रचार आएंगे, तो भाई यहाँ पे आपका मोबाइल बहुत लैग करेगा। आप कितना भी उसका ब्राउजर क्लियर कर दो, क्लियर कैच कर दो, तो भी कुछ नहीं होने वाला है। वो एक बार वो आ जाता है अंदर तो भाई वो निकलता नहीं है इतनी आसानी से, जब तक आप उसको फॉर्मेट नहीं कर लेते हो। ये सबसे ज्यादा मेन रोल होता है मोबाइल लैग का। तो भाई ये काम अगर आप लोग कोई करते हो क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद, तो समझदार हो आप लोग, तो समझ जाओ मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। तो भाई वो तो क्रोम ब्राउजर में उल्टी सीधी साइट खोलना बंद करो और आपका मोबाइल खुद ब खुद लैग फ्री हो जाएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाउ टू पार्टिसिपेट की लिंक है उस पर क्लिक करके रूल देख लो और पार्टिसिपेट कर लो मेरे गिव अवे में। और विनर मैं कल मॉर्निंग में 6 बजे वीडियो डाल के बताऊंगा कौन कौन विनर बना है, तो पार्टिसिपेट कर लो, टाइम अभी बहुत।